हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि पाठक फूड लवर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्केट जैसे यम्मी और टेस्टी पेट पकौड़े घर पर बनाने की बहुत ही आसान सी और सरल सी विधि। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से 5 से 6 हुए उबले हुए आलू। अब हम लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड के 5 से 6 स्लाइस, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आपको बनाने हो वैसे। अब हम लेंगे 2 कटोरी बेसन, आप 3 भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से। अब हमने आलू को फोड़ लिया है, इसको बारीक बारीक सा मिक्स कर लेंगे इसको बिल्कुल। अब हमने इसमें लिया है मिर्ची पाउडर, अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डालेंगे। अब हमने लिया है नमक, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई धनिया की पत्ती, थोड़ा सा बचा लेंगे इसको बेसन के घोल में डालने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा भरता तैयार हो चुका है, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब हमने लिया है बेसन, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। अब हमने जो धनिया का पत्ता बचा के रखा था वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। पानी को धीरे धीरे डालेंगे और इसका घोल बनाते जाएंगे। इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, बराबर इसको चलाते रहेंगे, पानी को धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, हमें इसे गाढ़ा नहीं रखना है, इसका घोल तैयार करना है ताकि ब्रेड अच्छे से डिप हो सके। तो ये घोल हमारा तैयार है। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस, इसको बीच में से कट कर लेंगे। अब हमने इसको कट कर लिया है, अब हम इसमें आलू भरेंगे। अच्छे से पूरे में फैला देंगे और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे ऊपर से। इसी तरीके से हम बाकी के स्लाइस भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए,
अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसको गरम होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस उठाएंगे, उसको अच्छे से बेसन में डिप करेंगे, इसको अच्छे से डिप कर लेंगे और अब कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि तेल अच्छे से ब्रेड को सेक सकें। अब हम दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी डाल देंगे। अब धीमी आंच पर इसको सेकने देंगे। ये देखिए, ये एक तरफ से ब्राउन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे ब्रेड पकौड़े सिक चुके हैं। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम फिर से ब्रेड पकौड़े बनाएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। इनको भी अच्छे से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। ये ब्रेड पकौड़े भी हमारे सिक चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसे यमी और टेस्टी ब्रेड पकौड़े घर पे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं और शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फूड है। ये ब्रेड पकौड़े बनाइए, घर वालों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और वाहवाही लूटिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये डिश कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये कितने अच्छे से सिक चुके हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होंगे। आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिश के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।